हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 11 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2021 के स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है यूनेस्को ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। तो यूनेस्को ने भारत के लिए अपना 2021 का स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास को लॉन्च किया है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण है जिसमें शिक्षकों शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के विषय पर यह रिपोर्ट केंद्रित है। यह पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच की और इस रिपोर्ट के अनुसार महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात चंडीगढ़ दिल्ली केरल पंजाब और तमिलनाडु में है। महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात त्रिपुरा असम राजस्थान झारखंड और बिहार में है। पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में शिक्षकों की संख्या वृद्धि और काम करने की स्थिति में सुधार है। शारीरिक शिक्षा संगीत कला व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभिक बचपन और विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा शिक्षकों को सार्थक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT प्रशिक्षण का प्रदान करना है और पारस्परिक जवाबदेही के आधार पर परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षण शासन का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 बिलियन डॉलर की लिस्ट में एलन मस्क प्रथम स्थान पर हैं। एलन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं और यह 100 बिलियन डॉलर की सूची में पहले स्थान पर है और इसके बाद इस इंडेक्स में बर्नार्ड एनॉल्ट बिल गेट्स लैरी पेज मार्क जुकरबर्ग का नंबर आता है जबकि मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 11वें स्थान पर हैं। बात हो रही है हाल ही में जारी रिच लिस्ट की। तो हाल ही में IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई है जिसमें मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर है। वहीं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में भी मुकेश अंबानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है जबकि भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह पूरे विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसी के साथ अक्टूबर मंथ के अब तक मनाए गए जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया गया है जबकि 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह और विश्व पर्यावास दिवस 4 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है जो अक्टूबर मंथ के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 1 से 31 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेट डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने जारी किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। और विश्व बैंक के द्वारा जारी गियर गिफ्ट डिजिटाइजेशन एंड सर्विस ड्रिवन डेवलपमेंट के अनुसार भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार असमान रहा है जबकि विनिर्माण और निर्माण के क्षेत्र में 2021 में सीधे
तेजी से सुधार हुआ है। तो इस रिपोर्ट का जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्ष है डेविड मालपस और एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी रिपोर्ट की। तो हाल ही में आई कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। हाल ही में सीएएफ वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत 23वें स्थान पर है, यानी कि भारत का बेंगलुरु 23वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइसेंस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान डेनमार्क का है और भारत का इसमें 59वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से यूनाइटेड किंगडम। यानी कि भारत और यूके ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है और यहाँ तीसरी भारत यूके विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता में इस पर चर्चा हुई है। बात हो रही है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। राजधानी है लंदन। यहाँ पे राजशाही यानी कि महारानी है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। वहीं बात करें भारत और यूके के बीच करेंट अफेयर की, तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन यानी यूके के बीच अजय वरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में भारत यूके काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है। भारत और यूके ने 8 जुलाई को भारत यूके वित्तीय बाजार वार्ता की पहली बैठक भी आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वी गोपाल को। तेलुगु फिल्म निर्माता वी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। वी गोपाल यानी कि विजवाड़ा गोपाल जो तेलुगु फिल्म निर्माता हैं और इनकी भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाला पुरस्कार है, जिसके तहत 10,000 रुपये नकद और एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। तो हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को 11 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें पुरस्कारों के विजेता हैं, जैविक विज्ञान में यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला और डॉक्टर अमित सिंह को। रासायनिक विज्ञान में यह पुरस्कार डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंद राजू को मिला है। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में यह पुरस्कार डॉक्टर विनोद कुमार सैकिया को मिला है। इंजीनियरिंग में यह पुरस्कार डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। गणितीय क्षेत्र में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला है। जबकि चिकित्सीय विज्ञान में डॉक्टर जीनम पनियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को मिला है और भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई की अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4%। तो हाल ही में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 4% किया गया है। मौद्रिक नीति समिति रेपो दर को लगातार 8वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.5% पर अपरिवर्तित है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। तो इसमें रेपो रेट की बात हो रही है। रेपो रेट जो जब कोई बैंक अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है और इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाया जाता है बैंक के द्वारा, उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट
जब देश में काम काज कर रहे बैंकों के पास दिन भर के काम काज के बाद जो रकम बच जाती है उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में वे जमा करते हैं। इस पर RBI के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। RBI की बात हो रही है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में स्थित 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ को नोरबू वांगड़ू पीक का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ITBP ने। ITBP ने लद्दाख में स्थित एक ऊंचे पर्वत चोटी को, जो जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, इसको नोरबू वांगड़ू पीक का नाम दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और लद्दाख पुलिस के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में दो अज्ञात पर्वत चोटियों को फतह किया है जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर है। इन्होंने दो चोटियों पर चढ़ाई कर एक चोटी का नाम नोरबू वांगदू पीक रखा है। यह अभियान इस चोटी का नाम अभियान बल के स्वर्गीय हेड कांस्टेबल और पर्वतारोही लद्दाख निवासी नोरबू वांगड़ू को समर्पित है, जिनकी अक्टूबर 2019 में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद उत्तराखंड में माउंट गंगोत्री वन पर आरोहण के दौरान मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में ITBP ने यह चोटी, जिसकी ऊंचाई 6250 मीटर है, नोरबू वांगड़ू पीक नाम दिया है। बात हो रही है ITBP की, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है नदी पशुपालन शुरू हुआ है, और इसका उद्देश्य है भूमि और जल का विस्तार, गहनता, विविधता और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। इसको शुरू किया है UP, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा 404। बात करें उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर की, तो हाल ही में यूपी सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों के मानदेय में वृद्धि की गई है। राज्य के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत बनी है। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को पारित किया गया है। मुफ्त कोचिंग क्लासेज के लिए अभ्योदय योजना शुरू की गई है। भारतीय विरासत संस्थान को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। यूपी मातृभूमि योजना यहाँ शुरू की गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की जाएगी, साथ ही निर्भया एक पहल कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल के नए CFO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल के नए CFO बने हैं सोमेन रे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमेन रे। भारतीय एयरटेल जो एक दूरसंचार कंपनी है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन है, और इसके मुख्य वित्त अधिकारी बादल बागरी थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पे नए CFO यानी कि मुख्य वित्त अधिकारी सोमेन रे को बनाया गया है, जो 21 दिसंबर 2021 को यह पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय एयरटेल जो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है, यह फिक्स्ड लाइन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवाएं को प्रदान करती है। संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी और इसके CEO हैं गोपाल विट्टल। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बेवगोई किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गिनी गणराज्य के। मोहम्मद बेवगोई गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। गिनी की बात हो रही है, तो
तो यह गणराज्य पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसे पूर्व में फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता था। राजधानी है कोनार्की। इसके अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं कर्नल ममाडी डोबैया और यहाँ की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। बात हो रही है इस क्वेश्चन में हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री की, तो हाल ही में ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नज़ला बोर्डमैन रोमधने बनी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बने हैं। मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौज बने हैं और हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घाना। तो 2023 में पहली बार घाना के द्वारा अफ्रीकी पैरालंपिक की मेजबानी की जाएगी। तो घाना पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक की मेजबानी 2023 में करेगा। घाना गणराज्य की बात हो रही है तो यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में कोट द आइवोर, उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और दक्षिण में गिनी की खाड़ी से लगती है। घना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू राजा। घना की राजधानी है अक्करा। राष्ट्रपति है नाना अफुको अडो और करेंसी है घनियन सेडी। इस क्वेश्चन में बात हो रही आगामी खेलों के मेजबान देशों की, तो इसी के साथ कुछ और आने वाले खेलों को देख लेते हैं। इसमें 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 की मेजबानी टोक्यो जापान के द्वारा की गई है। 2024 में इसकी मेजबानी पेरिस फ्रांस के द्वारा की जाएगी और 2028 में इसकी मेजबानी लॉस एंजल्स यूएसए के द्वारा की जाएगी। वहीं विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 में इसकी मेजबानी बीजिंग चाइना करेगा। 2026 में यह इटली के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेलों की बात करें तो 2022 में यह होजोंग चाइना में होगा और 2026 में इसका आयोजन जापान के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवी सुब्रमण्यम। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आधिकारिक बयान में यह भी बताया है कि वो अब दोबारा शिक्षा जगत में जाने का फैसला कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्टता सेवा पदक प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के जवानों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने दिल्ली में एक समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक बलों को वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए हैं, जिनमें 3 राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, 8 तटरक्षक पदक और 10 तटरक्षक पदक शामिल हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।